नमस्कार स्टोरी हाउ देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं हूं कृतिका सूर्यवंशी। बॉलीवुड के भाई सलमान खान को गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई और उसके गैंग से लगातार जान से मारने की धमकियां मिल रही हैं। बाबा सिद्दीकी की हत्या के बाद एक्टर की सिक्योरिटी के लिए फैमिली से लेकर प्रशासन तक सभी परेशान हैं। तो वहीं इन सब के बीच लॉरेंस बिश्नोई ने एक स्टेटमेंट जारी किया है जिसमें लॉरेंस बिश्नोई ने खुद कबूल किया है कि उसने सलमान खान को जान से मारने की धमकी क्यों और किस वजह से दी थी। दरअसल काले हिरण केस को लेकर सलमान खान पर लगातार लोग अलग अलग बयानबाजी कर रहे हैं। कोई कह रहा है कि इस मामले में सलमान खान को बिश्नोई समाज से माफी मांग लेनी चाहिए, तो कोई कह रहा है कि दोनों ऐसा टीआरपी पाने के लिए कर रहे हैं। इस बीच लॉरेंस बिश्नोई की एक स्टेटमेंट सामने आई है जिसमें उसने खुद बताया है कि वो धमकी क्यों दे रहा है। लॉरेंस बिश्नोई ने दिल्ली पुलिस को दिए अपने बयान में कहा है कि उसने मीडिया में आने के लिए ऐसा किया है, साथ ही वो बिश्नोई समाज में अपना बड़ा नाम करना चाहता था। अपने स्टेटमेंट में उसने कहा है कि मुझे वासुदेव ईरानी के मर्डर केस में गिरफ्तार करके जोधपुर लाया गया जहाँ पर मुझे कोर्ट में पेश किया गया। कोर्ट से बाहर निकलते वक्त सलमान खान भी वहीं कोर्ट में तारीख पर आया था। उसे मैंने जॉन से मारने की धमकी दी क्योंकि सलमान खान ने काले हिरण का शिकार किया था और कोर्ट ने उसे सजा नहीं दी थी। मैंने सिर्फ मीडिया में आने के लिए और बिश्नोई समाज में अपने नाम के लिए ऐसा किया था। सलमान खान को धमकी देने के केस में भी मुझे गिरफ्तार किया गया, तो वहीं तमाम धमकियों के बाद भी सलमान ने अपना काम बंद नहीं किया है। बीते हफ्ते वो बिग बॉस होस्ट भी करते दिखे, हालांकि इस दौरान वो काफी इमोशनल दिखे। उन्होंने शो की कंटेस्टेंट शिल्पा शिरोडकर से बात करते हुए कहा था कि इस घर में फीलिंग से कोई रिश्ता नहीं होना चाहिए, जैसे आज मेरी यही फीलिंग है कि मुझे यहाँ पर आना नहीं चाहिए था, लेकिन ये एक कमिटमेंट है तो इसलिए मैं यहाँ पर आया हूँ। एक मेरा काम है, काम करने आया हूँ, मुझे किसी से नहीं मिलना, मुझे आप लोगों से भी नहीं मिलना। सलमान खान अपनी अपकमिंग फिल्म सिकंदर की शूटिंग पर भी लौट आए हैं। इसके अलावा वो जल्द ही फिल्म सिंघम अगेन के लिए अपना कैमियो भी शूट करेंगे। सिंघम अगेन में सलमान खान सुपर कॉप चुलबुल पांडे का किरदार निभाते नजर आएंगे। वो वाई प्लस कैटेगरी की सुरक्षा के बीच काम कर रहे हैं। और इसी के साथ इस वीडियो में इतना ही। ऐसी और वीडियोस के लिए देखते रहें स्टोरी हब।